अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है मैं अपना तीसरा व्लॉग अपलोड करने वाला हूँ कंसिस्टेंटली, और उम्मीद करता हूँ इसी तरह डेली व्लॉग्स बनाऊंगा और अपलोड करूँगा। और अभी रिसेंटली मैंने जो है अपना व्लॉग अपलोड किया है जो कि सैटरडे को अपलोड किया है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है बट बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो वो बेल आइकन भी प्रेस करें, घंटी का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियोज है उनसे आप बाखबर रहें। तो चले अभी मैं ऑफिस के लिए रेडी होने लगा हूँ। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 3 बजे, तो 4 बजे मुझे ऑफिस जाना है, तो जल्दी से तैयार होता हूँ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आपका भाई ऑफिस के लिए रेडी हो चुका है और फुल जो है ना कबीर सिंह लाइट लग रहा हूँ इस वक्त तो। और भाई पहला व्लॉग मैंने कल अपलोड किया, लोगों के कमेंट्स आने लग गए बुड्ढे होके आ गए हो भाई, कहाँ बुड्ढा हो गया हूँ, बस थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी जो है ना बड़ी हो गई है, बाकी वही नौजवान हूँ यार, स्मार्ट बॉय हूँ। और इसके अलावा आज जो है ना कजन के साथ जाने का प्लान है तो मैंने एक एक्स्ट्रा हुडी उठा ली है क्योंकि रात को काफी सर्दी होती है। तो हमने प्लान किया है हाईवे जाने का, तो इंशाल्लाह इसको एग्जीक्यूट करेंगे और सक्सेसफुल रहेगा प्लान। तो अभी तो फिलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ, 4 से 12 शिफ्ट है, 12 बजे ऑफिस से फ्री होगा, तो कजन के साथ प्लान है। तो चले निकलते हैं ऑफिस के लिए, पास फाइन द स्काई बैक है। तो ऑफिस जाने से पहले मैंने सोचा लंच करने के लिए कुछ हल्का फुल्का पेटी वगैरह ले लें। तो भाई इधर चेक करते हैं क्या क्या अवेलेबल है। चिकन टिक्का पेटी है, एक मिल जाएगा, सिर्फ एक अवेलेबल है। मलाई है कि बाकी चिकन पेटी से? मलाई, मलाई कौन सा? चिकन मलाई वाला, बराबर वाइट तिल वाला। तो ये मलाई चिकन मलाई है, चिकन मलाई पेटी से मलाई बॉटी होती है। अच्छा, तो एक चिकन टिक्का कर दें, एक चिकन मलाई कर दें। और ड्रिंक वगैरह अवेलेबल है? ड्रिंक, ड्रिंक कोक नहीं है भाई? आज कोक अवेलेबल नहीं है। तो ये मिंट लेमिनेट की तरह एक ड्रिंक है और इसमें जो है ना भाई कह रहे पुदीने का टेस्ट आएगा, तो ये ले लेते हैं और इसके 2 पेटीज। तो भाई पूछते हैं डिस्काउंट किस कार्ड पे। भाई ये 3 कार्ड्स हैं, इसमें बताएं किस किस पे डिस्काउंट और किस पे कितना है। सर आपके फैसल नूर पे 30% ऑफ है, मिजान पे 10% है और स्टैंडर्ड के इस कार्ड पे नहीं है। इस कार्ड पे नहीं है? हाँ। तो मतलब सबसे टॉप वाला बेस्ट है, 30% डिस्काउंट जी। ठीक है, तो फिर ये फैसल बैंक आप ले लें, थैंक यू सो मच। 22 टोटल बिल पड़ा है इन तीनों चीज़ों का, तो मतलब कि कोल्ड ड्रिंक फ्री हो गई है एक तरह से। तो थैंक यू सो मच भाई, भाई का फेस रिवील नहीं कर सकते, भाई इनविजिबल है, देख नहीं सकते। ओके अल्लाह हाफिज़। 3:41 हो रहे हैं और आपका भाई ऑफिस पहुंच चुका है। और ये मेरे भाई फ्रॉम अनदर ताई। और भाई कैसे हो? फुल वाइट विनिंग की है, इन्होंने ब्लैक ब्लैक पहना हुआ है दोनों भाइयों ने, सामने देख सकते हैं दोनों भाइयों ने ब्लैक पहना हुआ है। तो अभी पहले करेंगे हम पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा क्योंकि हमारे पास अभी 20 मिनट हैं और लिफ्ट पहुंच गई है 7th फ्लोर। तो लेकिन चुकन कर लिया है, घड़ी में 3:40 हो रहा है, यहाँ 3:35 हो रहे हैं, मतलब 5 मिनट पीछे, तो अच्छी बात है, पीछे नहीं चाहिए ऑफिस की घड़ी। फिर अभी हम चलते हैं नीचे 6th फ्लोर पे। ऑफिस से हो गई है छुट्टी और अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस से डायरेक्ट गिजरी क्योंकि वहां पर सब कजन्स मेरा वेट कर रहे हैं। और हमने प्लान किया था हाईवे का बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ व्हीकल्स, गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो हमें जो है वो नियरेस्ट लोकेशन मतलब बोर्ड वेसन जाएंगे कुछ खाने। तो अब मैं डायरेक्ट ऑफिस से जाऊँ गिजरी क्योंकि वो सब वहां पर वेट कर रहे हैं मेरा, और मैंने ऑफिस से जल्दी ऑफ लिए 11 बजे। तो अभी चलें, अभी पहुंच चुके हैं ग्राउंड फ्लोर। रात के टाइम ना बाइक्स का रश जो है ना बहुत कम होता है और आज सैटरडे वीकेंड है तो बहुत सारे ऑफिसेज हमारे बिल्डिंग में क्लोज होते हैं, तो यहाँ से बाइक निकालना इजी होता है रात के टाइम। और इस वक्त सर्दी भी जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, हालाँकि फोग हो रही है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, तो फोग हो रही है बट सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। तो भाई गिजरी पहुँच गया हूँ और मुझे लगा था कि ये इंतजार करें लेकिन मुझे इंतजार करना पड़ा। यहाँ भाई किधर गए हुए थे हम लोग? यार ये कॉपी कराने गया था, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, पासपोर्ट वगैरह ये चीज़ें। अच्छा, तो अभी ये करा कर तैयारी है जोरों शोर से। रहीम भाई कहाँ की तैयारी है? खाने की तैयारी है। हाईवे का कह के बोर्ड बेसन लेके जा रहे हो भाई? जब तक फैजान डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख ले तब तक अंदर हम विजिट कर लेते हैं। और मेरे साथ मौजूद है आज अदनान, तो अदनान मेरे साथ मौजूद है इस वक्त, मुझे जो है ना दिखा रहे हैं भाई ये मार्बल पहले नहीं लगा हुआ था क्योंकि स्टेयर से काम हो गया था लेकिन यहाँ का जो है मार्बल नहीं था, तो अभी मार्बल कंप्लीट हो गया और ये देखिए स्लोप बनी हुई है, तो यहाँ से जो है ना बाइक आराम से पार्क हो सकती है, इस लाइन में बाइक पार्क होगी और स्टेयर्स का रास्ता बिल्कुल अलग होगा, यहाँ पर गिल्स होगी। तो ये काफ़ी बड़ी जगह जो मतलब कि हमारी जो अभी जा रहे ना वहाँ पर बिल्डिंग के नीचे पार्किंग अवेलेबल है बट पैसे पे करने पड़ते हैं। माशाल्लाह से ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और जो है थोड़ा बहुत काम रह गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, प्लम्बरिंग का काम हो गया और इसके अलावा कलर वगैरह हो गया, वो रह गए। तो प्लान्स इसलिए बनाए क्योंकि फैजान जो आपको दिखे होंगे वीडियो में उन्होंने कल जाने ओमान,
तो उसके लिए एक फेयरवेल पार्टी अरेंज किए, तो सब कजन्स जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर सब इकट्ठे हुए थे और यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है अदनान, तो अब इसको करते हैं बंद और वो सब वेट करें वहाँ पे। बाइक यहाँ पार्क कर दी है और यहाँ पर चेक करें तखत लगे हुए हैं, यहाँ रश चेक करें, इस वक्त रात के 1 बजने वाले हैं और रश चेक करें। तो ये बैठक पिटावरी रेस्टोरेंट है और यहाँ पर हमने जगह जो है चूज़ कर लिए, यहाँ बैठने लगे हैं। भाई जिनकी तरफ से दावत है वो मेन्यू शेन्यू सामने रख के बैठे हुए हैं। भाई अब ऑर्डर करेंगे तो क्या भाई ऑर्डर कर रहे हो? सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, आपकी मशवरा। अरे भाई देखना है कोई मुर्गी शुरू ऑर्डर ना कर दे, कल भाई जा रहे हैं इनसे कोई बकरा शकरा खाएंगे। ये परवेज ये तो दोस्त ने बिस्किट खा के बैठा हुआ है, मच्छी के पाव है यार, मच्छी के पाए खाने इसने। काम देखो तुम करते ना, हाफ मटन व्हाइट कर लेते हैं, हाफ कुछ और कर लेते हैं, कुछ और मटन भी कर लेते हैं, चिकन भी कर लेते हैं। हाँ चिकन कर लेते हैं, तो अभी डिसाइड कर रहे हैं ऑर्डर। यहाँ पर हॉट एंड फ्रेश कढ़ाई बनाई जा रही है, ये सामने आपको गोश्त दिख रहा होगा और ये गोश्त जो है ना यहाँ से जो है ना लेके और वहाँ पर कढ़ाई बना रहे हैं। और ये चेक करें इस वक्त ताज़ा ताज़ा गोश्त जो है ना कट कर रहे हैं भाई, और यहाँ से कटिंग हो रही है गोश्त की और वहाँ जो है ना ये कढ़ाई बन रही है। तो अभी हम सब जो है ना वेट कर रहे हैं क्योंकि टाइम लगेगा, क्योंकि हॉट एंड फ्रेश कढ़ाई है। तो कितना टाइम लगेगा फिजान भाई? यार बस यार जल्दी बना देते, इतना पता है, आधा घंटे में बना देते, मतलब जल्दी बना देते, आधे घंटे में बहुत ज्यादा हो जाता है, जल्दी बना देते। चलो वैसे अभी 15 मिनट हो चुके हैं ऑर्डर, रश बहुत ज्यादा हुआ है ना, नहीं वो फाइबर का 15 मिनट हो चुके हैं वैसे ऑर्डर किए हुए। अरे पक्की बात है यहाँ चेक करें, यहाँ पर पूरे आधा घंटा हो गया और यहाँ पर ये लोग जो है ना सलाद खत्म करने लग गए हैं। सलाद ये देखें ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और वहाँ पर भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो मुझे लगता है ये लोग सिर्फ सलाद से ही पेट भर लेंगे। मेरे ख्याल से चल लेते हैं भाई, सलाद से ही पेट भर लिया और हो गया काम, बस भाई सलाद से ही पेट भर लिया, अब यहाँ से निकल लेते हैं। कढ़ाई मेरे ख्याल से सुबह ही आएगी, तुम्हारी फ्लाइट जो है ना मिस हो जाएगी, मिस हो जाएगी और सुबह जो है ना तुम्हारे सामने कढ़ाई रखेगी वो खाना और फ्लाइट छोड़ देना। असल में अभी जो ना होता टाइम इतना ज्यादा नहीं लगता, लेकिन आज पता नहीं क्यों लग रहा है, कोई पनौती तो नहीं आया ये लगता है ये देखो आपके बारे में कह रहा है। अनिली खाना आ चुका है, ये है मटन व्हाइट कढ़ाई और ये है चिकन मखनी कढ़ाई और वो जो है गार्लिक खाना रखिए। जल्दी से भाई जल्दी से डालो और शुरू हो जाओ भाई, बहुत भूख लगी है। तो भाई खाना शाना खा लिया है और मौसम भी इतना मज़ेदार हो रहा है, खाने की इतना मज़ेदार भाई कि अभी दिल चाह रहा है यहाँ पर जो है ना यहीं पर सो जाएं, घर जाने का दिल नहीं कर रहा। वो देखें भाई उनको चेक करें, खाना खाने के बाद वैसे भी सुस्ती होती है और यहाँ भी मौसम इतना ठंडा हो रहा है ना कि दिल करेगा यहीं पर भाई बंदा सो जाए, घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। और बहुत ही जबरदस्त, और इसको देखें, इसको देख के पक्का लग रहा है कि इसने सिर्फ 2 बिस्किट ही खाए थे अभी तक लगा पड़ा है। अभी घर पहुंच गए और अभी हम बैठने लगे छत पे और जो है सबसे ज्यादा खाना इसने खाया तो ये कुर्सियाँ चुटाएगा, सिर्फ 2 उठाओगे? हाँ, बाकी 3 कौन उठाएगा? बाकी 3 यार ऐसा करते हैं, एक एक करके हम उठाते हैं, इतना ज्यादा जुल्म नहीं करना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, सही बात है, सही उठाएगा। चलो फैजान तुम कल वैसे भी जा रहे हो, तुम 2 उठाओ। नहीं यार एक एक सही है, चलो एक पैसे उठाएगा, पैसे उठाओ, चलो एक पैसे उठाएगा और एक उठाएगा नदीम सलमान, एक सलमान। चलो भाई, तो भाई अब कुर्सियाँ लेके जा रहे हैं ऊपर और हम इन्हें फॉलो करते हैं। ये फैजान भाई का घर जो बन रहा है ये देखें, ये अभी रेडी हो रहा है और यहाँ पर जो है ना हमारे सुल्तान भाई जो है ना सो रहे हैं किसी ज़रूरी काम से, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते, सोने देते हैं, बहुत ज़रूरी काम से सो रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं ऊपर, ख्याल से जाना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त जो है ना ये देखें ब्लॉक रखे हुए और काफ़ी ऊपर सीढ़ियाँ, मस्जिद ऊपर नहीं जाया जा रहा, तो तीसरे फ्लोर पर हमने स्टॉप कर दिए और अब हम यहाँ बैठेंगे। यहाँ पर भाई मिट्टी मिट्टी, कमरे में भी मिट्टी है और यहाँ पर मिट्टी रखी है, तो अब हम यहाँ पर करेंगे चाय पार्टी। यहाँ पर सीन कुछ ऐसे हैं कि ये लोग जो है ना अभी चाय बनाने का सेटअप लगा रहे हैं और जो है अभी सिलेंडर ऑन कर रहे हैं, तो ये देखें ओ भाई खराब हो गए मेरे, मिट्टी मिट्टी रखी हुई है, नज़र ही नहीं आ रहा है आपको कुछ। तो अभी दूध और पत्ती डालिए, पत्ती इतनी डालिए, पत्ती इतनी डालेगी? हाँ हाँ, कलर तो बिल्कुल व्हाइट ही है, बनेगी। अच्छा अभी बनेगी, चाय गर्मा गर्म रेडी हो चुकी है और ये चेक कर सकते हैं आप, इसका कलर बहुत अलग लग रहा है यार, मैं बोल रहा था इसे पत्ती कम है ना, पत्ती कम है ना, दूध ज्यादा है, दूध ज्यादा है, चलो अच्छा है ना, दूध ठोक के पत्ती रोक के। सब गाइस अभी हम निकल रहे हैं सब घर घर, रात के 3 बजने वाले हैं
और फैजान भाई हमारे कल जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो हम अभी बता चले कल ये जा रहे हैं ओमान। तो भाई वहाँ जाके व्लॉगिंग व्लॉगिंग करना, हमें भी दिखाना ओमान की सड़कें वड़के, ओमान की बाकी समझ जाए, सब 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 दिखाना, ठीक है, सब कुछ दिखाएंगे इंशाल्लाह। चल वैसे सुबह के टाइम जो है हो सकता है मुलाकात नहीं हो पाए, तो ख्याल रखना अपना, मिलते हैं इंशाल्लाह, मिलेंगे इंशाल्लाह दो साल बाद। गाइस अभी व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि सुबह जो है मैंने भी जाना है मैच पे, और इस वक्त जाके घर पे सो जाऊंगा और व्लॉग नहीं एंड कर पाऊंगा, मुझे इतना तो कंफर्म है। तो यहीं पर करता हूं अपना व्लॉग एंड, और उम्मीद करता हूं आप सबको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे लिए दुआएं जरूर करें सब। और भाई इसके लिए दुआएं जरूर करना, और बाकी कुछ रह गए क्या रह गया बताओ? बेल आइकन कर दीजिए, बटन दबाना और सब्सक्राइब करना। और तो भाई ये हमारे परवेज भाई हैं जिन्होंने आज सबसे ज्यादा खाया है, तो इनका कहना है कि बेल आइकन घंटी जरूर बजाइएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं उनसे आप बाखबर रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं एक साल बाद। ओके भाई, थैंक यू। तब तक आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा, और फैजान भाई आप भी अपना ख्याल रखिएगा जरूर इंशाल्लाह। आपसे ऐसे ही रابطے में रहेंगे, और जो भी चीजें हैं आपको जरूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। मैं भी व्लॉग स्टार्ट करूंगा, तो आप भी जो है ना अपना व्लॉग ऐसे ही देखते रहिए, वकार भाई के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे आपको जो है ना कराची में ये आपको दिखाएंगे, ओमान में मैं आपको दिखाऊंगा। तो बिल्कुल ये आपको ओमान में दिखाएंगे मलिक फैजान व्लॉग्स के नाम से, मोहम्मद फैजान व्लॉग्स के नाम से। तो चलते हैं, अभी मैं निकलता हूँ, बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।